हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, सो कहाँ जाने वाले वो नहीं बताया, तो सरप्राइज था। तो जा रहे हैं हम लोग बाबा धाम, बाबा का बुलावा आया है तो जा रहे हैं। जस्ट कुछ इम्पोर्टेंट था। ये मेरी बेटी एंड मेरी सासू माँ, मॉम मेरी। देखिए, इसका हम लोग जा रहे हैं मुंडन करवाने। जब ये हुई भी नहीं थी तब मैं मन्नत की थी इसके लिए कि जब अच्छा अच्छा से सब कुछ अच्छा अच्छा से हो जाएगा, बाबू अच्छे से आ जाएगी, तो हम लोग ले जाएंगे उसका, वहीं पे मैं मुंडन करवाऊँगी। तो भगवान के दुआ से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था, कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाबू भी अच्छे से हो गई थी, मेरा सिजेरियन हुआ था वो भी बहुत अच्छे से हो गया, किस तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। सो सब अच्छा अच्छा है। तो बाबू अभी एक साल की नहीं हुई है, हम लोग में या तो एक साल में होता है या फिर तीन से पहले करना होता है। तो मैं सोची अभी करवा लेती हूँ, फिर उसका बहुत ज़्यादा बाल लंबा लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। सो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं करवाने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मैं जैसे जैसे जाऊँगी, जहाँ जहाँ जाऊँगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा कि कहाँ जा रहे हैं। जैसे घर से निकलने थोड़ा टाइम हो गया, बाबू फ्रेश नहीं हुई थी, मैं उसको फ्रेश कर रही थी, मालिश वगैरह मैं गाड़ी में जिस तरह से कर पाई कर दी। और अभी सेवक पहुँचने वाले हैं, सो हम सेवक पहुँचने लेट है, एक घंटा लेट है सेवक पहुँचने में, पहुँचते हैं तो मैं आपको सेवक का व्यू दूँगी कैसा है। सो बहुत बारिश हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं मिरर में दिख रहा होगा आपको कि पानी का बूंद दिख रहा होगा जैसे, तो पानी बारिश हो रहा है सुबह से, तीन दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा है। हम लोग को इतना देखा जाए तो अच्छा वेदर मिल रहा है जाने के लिए, धूप नहीं है। सो मैं आप लोग को मिलती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। हम लोग बाबा धाम जा रहे हैं, वहाँ पर मेरी बेटी का मुंडन होगा, सो आप लोग उसमें सेलिब्रेट सबको पार्टिसिपेट कीजिएगा उसमें। ओके, निकल गए हैं पूर्णिया बाईपास होकर निकलेंगे। सो चलिए, हाय जी बेटा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं हम लोग होटल रूम में हैं, हम लोग भागलपुर आए हुए हैं, मतलब सॉरी भागलपुर में स्टे करे हुए हैं, आज स्टे करेंगे, कल मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे भागलपुर। आपको होटल वैदिक में हम लोग स्टे किए हुए हैं एंड बहुत कहीं भी नया जगह जाने में था, हम लोग ऑनलाइन सर्च किए तो हम लोग को ये होटल अच्छा लगा। सो ये डोमिनोज के जस्ट अपोजिट में है, डोमिनोज के जस्ट अपोजिट में है। एंड ये देख, दांत काटने में मास्टर है, ठीक है। सो ये मेरी बेटी, इसको लगता है नींद नहीं आ रहा है क्या, सो जाएगी। सो मेरे सास ससुर जस्ट अपोजिट रूम में है, सेम यही रूम है उन लोगों का भी, तो अपोजिट रूम में हम लोग स्टे कर रहे हैं। सोचे मैं आप लोगों को बता दूँ कैसे क्या है नहीं है। एंड हम लोग खाना देखते हैं, बाहर जाएंगे खाने या फिर जोमेटो से ऑर्डर करवा लेंगे, क्या करेंगे अभी हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं। अभी जस्ट कितना हो रहा है, अभी आपको 8 PM हो रहा है, तो शायद हम लोग ऑर्डर भी कर लेंगे। आपको मैं अपना रूम का व्यू देती हूँ। ओके, मैं आप लोगों को रूम का व्यू दे रही हूँ, ये बाहर से है रूम का व्यू। एंड हाँ, फोकस नहीं हो रहा था। और ये दरवाज़ा है, मैं जस्ट ओपन कर रही हूँ डोर। सो डोर ओपन करने के बाद थोड़ा मेसी है, उसके लिए थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि बाबू है ना उसका, मैं भी उसको फ्रेश फ्रेश की रहा। थोड़ा इधर देखिए, देखिए ये बेड है और ये लोग पापा बेटी दोनों खेल रहे हैं। शोला बाबू परी हाय, देख रहे हैं, इसको तो अपने पापा से ही प्यार है, बस मम्मी हर कुछ कर देती है बट पापा के साथ ही लगे रहना है। ये मेरा हम लोगों का बेड हो गया, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है बेड। एंड ये विंडो है रूम का एंड ये एक साइड टेबल दिया हुआ है। एंड ये वाला, ये आपको कबर्ड है, यहाँ एक और आपको ड्रॉवर है एंड टेबल दिया हुआ है,
ये मैं अपना बैग सिर्फ बैग ऐसे जस्ट खोली हूँ एंड अनपैक तो नहीं करना था ना, क्योंकि हम लोग तो आज सुबह है, सुबह मॉर्निंग में निकल जाना है. मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे हम लोग. एक और टेबल है यहाँ, मैंने अपने बेटी का दूध का सामान वगैरह रख दिया है. एंड ये रूम में देखिए यहाँ टीवी लगाया हुआ है, टीवी है. एंड यहाँ पर हैंगर डाला हुआ है मेरे हस्बैंड, यहाँ पर हैंगर है तो यहाँ मेरे हस्बैंड अपने जो कपड़ा वो पहने हुए थे उसको मतलब लगा के रखे हुए हैं. एंड ये टॉयलेट है, बहुत नीट एंड क्लीन. मैं इतना बोल सकती हूँ, आप लोग जो भी इस स्टे कीजिएगा होटल में, बहुत नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई भी गंदगी नहीं है. देख सकते हैं साफ सुथरा है, अच्छा है, सब कुछ सही है ना. कवर्ड में तो मैं कुछ रखी नहीं हूँ, बट कोई अगर आ रहे हैं उनको हेल्प हो, जिसके वजह से मैं अंदर कवर्ड तक व्यू दे दे रही हूँ. बाबू, पापा, बाबू, मम्मी, पड़ी, बोलो, हम बात नहीं करेंगे, मम्मी से बात नहीं करेंगे हम. देख रहे हैं लोगों को, हम लोगों का खाना ऑर्डर हो चुका है. सो मेरे हस्बैंड कर चुके हैं ऑर्डर, तो वो आएगा. ये कवर्ड है इस रूम का, ये मैंने एक सिर्फ बाबू का पैम्पर्स एंड उसका ब्लैंकेट वगैरह रख दिया. ये रूम है, रूम का कवर्ड है. एंड ये ड्राज वगैरह है, कुछ रखना है तो बहुत अच्छा, हर कुछ साफ सुथरा एंड स्मूथ है. मतलब आपको कोई भी चीज़ खोलने वगैरह में डिस्टर्ब नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा. ये रूम के बाहर का व्यू है, ये यहाँ पे सोफा डाला हुआ है एंड एक टेबल है यहाँ पे. ये डाइनिंग एरिया है, देखिए ये डाइनिंग एरिया है. एंड यहाँ टीवी लगाया हुआ है. ये जस्ट ये वाला रूम जो है, ये रूम मेरे सास ससुर का है एंड ये वाला रूम हम लोगों का है. दोनों रूम सेम है. और ये आपको इंट्रांस हो गया होटल का, थर्ड फ्लोर पे है हम लोग. एंड यहाँ पे जाने पे बालकनी वगैरह ना, कुछ यहाँ पर भी बेड डाला हुआ है ना. ये है, वहाँ पर बालकनी है, देख रहे हैं कोई बैठा हुआ भी है. सो मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं आप लोगों को इतना दिखा दी. सो मैं आप लोगों को रूम का व्यू दे दी. आप लोग कोई भी अगर आते हैं कभी, अगर बाबा धाम कोई जाएगा तो यहाँ जरूर स्टे कीजिए. बहुत नीट एंड क्लीन होटल है, बहुत साफ सुथरा है, अच्छा है. यहाँ के जो ऑनर है बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है. एंड रूम तो आपको मैंने दिखाया, बहुत अच्छा है. आइए देखिए. और बस मेरी बेटी का मुंडन है, सो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए मेरी बेटी का मुंडन में, उसको आशीर्वाद दीजिए. और बस मैंने बाबा को बोला था कि अच्छे अच्छे से मेरी बेटी हो जा रही हो, मतलब जो भी हो, ठीक है, जो ये तो नहीं कि बेटी हो जाए, जो भी होगी हो, मतलब अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा निपट गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. बेटी मेरी बहुत कमजोर हुई थी, मैं इतना ही बोल सकती हूँ. वो बहुत 2 किलो 500 ग्राम की भी नहीं हुई थी, तो फिर भी बाबा के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ ओके ओके हो गया. सो मैं सोची कि वो 1 साल कंप्लीट हो, उससे पहले मैं उसका करवा देती हूँ, क्योंकि हमारे में 1 साल के अंदर होता है या फिर 2 के बाद होगा. तो फिर उसका बाल बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है, तो जिस वजह से मैं सोची कि करवा लेती हूँ. बच्ची है, फिर बाल वगैरह बांधने का जिम्मेला रहता है. एंड बस हम लोग आए हुए हैं. ये मेरी हस्बैंड, मेरी बेटी. बाबू, परी, देखो ना बेटा, ये मेरी बेटी, ये हम दोनों की ना जान है, समझे. हम दोनों का ध्यान इसलिए बस अब रहता है. एंड हम लोग दोनों वाइफ हस्बैंड, बस आप लोग हम लोगों को साथ दीजिए कि मैं अच्छे से आप लोगों को अच्छे से वीडियो दे सकूं. बाबू, तुम्हारे लिए परेशान है तो बेटा. बस ये हम लोग का छोटा सा फैमिली है, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी. बस अच्छे से रहिए आप लोग भी. मैं ये वाला वीडियो इतना ही. अभी खाना आ रहा है, खाना हम लोग खाने नहीं जा रहे, खाना ऑर्डर हुआ है, सो मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. तो बस बने रहिए. है जी बेटा,
फ्रेंड्स, हम लोगों का खाना वाना हो गया है। मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ, अब बस मेरी बेटी सो गई है, मैंने उसका मसाज कर दिया। सुबह तो अच्छे से हो नहीं पाया था, सो अभी मैंने उसका अच्छे से मसाज कर दिया, वो सो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, वो सो रही है। जो देखिए वो सो रही है, वो आराम से मैं तो सो रही है। एंड बस हो गया, सब कुछ हो गया है और हम लोग सोने वाले हैं। सुबह उठ के फिर निकलना है फटाफट। आप देख रहे हैं मैं रात में कैसे सोती हूँ, बस मेरा ऐसी चोटी करती हूँ मैं। ये मेरा चोटी है, इस टाइप का चोटी करती हूँ। एक मैं टिप्स देना चाहती हूँ जिन लोगों को अपना हेयर मतलब लॉन्ग करना है, ग्रो नहीं करता अच्छे से, सो वो उन लोगों के लिए। एक तो क्या कि मैं रोज रात में इस तरह से चोटी बनाकर सोती हूँ। एंड मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे चोटी बनाती हूँ, ठीक है? पीछे देखिएगा। सो आपको एक गटर टाइट करके इधर इस तरफ दिख रहा है पीछे, इस तरफ आपको पूरा बाल को समेट कर इस तरह टाइट करके एक गटर लगा लीजिए एंड टाइट करके चोटी कीजिए। और नीचे आपको ज्यादा बाल नहीं छोड़ना, बस हल्का सा इस तरह से दिख रहा है, मैं छोड़ी हूँ जस्ट इतना सा छोड़कर टाइट करके चोटी कीजिए। मैं ये मतलब आज से नहीं कर रही हूँ, मेरे ये हमेशा कर रही है। रात को मेरा चोटी ऐसे ही किया हुआ रहता है और मुझे अब आदत भी हो गया, मैं करती ही हूँ। आप करके देखिए, आपका बहुत जल्दी बाल लंबा होगा। मैं ये करती हूँ और ये काम करता है, ये वर्क करता है इसलिए क्योंकि मेरे घर में बहुत किसी ने किया है और उन लोगों का बाल लंबा हुआ है इसलिए। हाँ, अगर मैं एक बात और बोलती हूँ, अगर आप ऑयलिंग करके ये कर रहे हैं तब तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मैं तो ऑयलिंग हर दिन नहीं कर पाती हूँ, जिस दिन भी करती हूँ तो थोड़ा छोटी ऐसी रोज ही करती हूँ। तो आप ये चीज़ कीजिए, बहुत अच्छा होगा जिसको बाल लंबा करना है। और जिन लोगों को नहीं करना तो मैं इनको लिए तो नहीं बोल सकती हूँ, ये कीजिए अच्छा होगा। सो गाइस, अगर आप लोग, मैं इतना ही बोलना था। एंड आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो देखना आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोगों को जो भी जानना हो कुछ भी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट आगे का जो भी होगा उसका मैं अपडेट करूंगी और उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगी। फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ और ये मैं अपलोड कर दूंगी और आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग बताइएगा कैसा लगा। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।